चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें लड़ाई लड़नी है, मगर हमें बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमें किसी से सड़क पे लड़ाई नहीं करनी। नौकरी की उम्मीद जागी है नौजवान में, किसानों में एक उम्मीद जागी है कि कोई हमारा हमदर्द आया है। भारत जोड़ने की बात हो रही है, भारत जुड़ रहा है, लोग जुड़ते आ रहे हैं राहुल जी के साथ और आगे भी जुड़ते जाएंगे। और जो ये बेईमानों की सरकार बनी हुई है बीजेपी, इसको उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। जितने भी सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उन सब लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन किया है। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, क्या संदेश इस यात्रा से आपको लग रहा है, जा रहा है पब्लिक के? पिछले 6 महीने से लगातार गर्मी, बरसात और ठंड को झेलते हुए हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जो पैदल यात्रा कर रहे हैं कश्मीर तक, अब वो 3 तारीख से लोनी में प्रवेश के जरिए और उत्तर प्रदेश में उसने प्रवेश किया है। आज ये हमारे कांदला में आई थी और अब ये ऊंचा गाँव में अभी ठहरा हुआ है। और इस यात्रा का संदेश यही है कि कैसे हम नफरत को मिटाकर एक हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। जो ये भेदभाव की और ये टूट फूट की राजनीति जो आजकल कर रही है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे नेताजी का एक ही संदेश है कि जो ये बेरोज़गारी, हमें लड़ाई लड़नी है, मगर हमें बेरोज़गारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमें किसी से सड़क पर लड़ाई नहीं करनी, हमें सबको एक करके रखना है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलना है, सबको जोड़ना है। यही हमारा संदेश है, इसी संदेश को लेकर हम लगातार 6 महीने से सड़कों पे हैं। नौजवान किस तरह इस यात्रा को देख रहा है, कैसे नौजवान जुड़ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। नौजवान ये चाह रहा है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि जिससे भाईचारा पैदा होगा और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, देश में विकास होगा। आज नौकरी नहीं है, नौकरी की उम्मीद जागी है नौजवान में, किसानों में एक उम्मीद जागी है कि कोई हमारा हमदर्द आया है। यात्रा से कैसे आप देख रहे हैं? यात्रा से ये बीजेपी के खात्मे की आखिरी कील होगी। ये यात्रा बीजेपी को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करेगी और कांग्रेस की सरकार देगी। बहुत लोग त्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट से। इसमें बेरोजगारी और महंगाई पूरी तरीके से पूरी चरम सीमा पर है। ये पद यात्रा पूरी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आखिरी कील होगी। नौजवान कैसे देख रहा है अभी, कैसे जुड़ रहा है? नौजवान बहुत अच्छा जुड़ रहा है। बेरोजगारी में बिल्कुल त्रस्त हो गया था नौजवान, कहीं भी नौकरियां नहीं दी जा रही थी, नौजवानों का शोषण किया जा रहा था। उसमें बदलाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार बनाएगी 2024 में। आपका क्या संदेश है, जैसे यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ने की बात हो रही है? भारत जोड़ने की बात हो रही है, भारत जुड़ रहा है, लोग जुड़ते आ रहे हैं राहुल जी के साथ और आगे भी जुड़ते जाएंगे। और जो ये बेईमानों की सरकार बनी हुई है बीजेपी, इसको उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा यूपी के अंदर प्रवेश की थी, तो सबसे पहले गाजियाबाद, बागपत और आज रात शामली जिले में पहुंच गई थी। तो रात से पूरे शामली जिले के पूरे कांग्रेस और जितने भी सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उन सब लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन किया है। और आज सुबह 6:30 बजे यात्रा अल्लम से शुरू होकर के अभी ऊंचे गाँव में पहुंची है और यहाँ पर विश्राम है। यहाँ से 3:30 बजे के बाद यात्रा दोबारा शुरू होगी और फिर कैराना होते हुए सीधे सुनोली रुकेगी।